सो रचनोक एंटोनिन वर्सेस पीवी सिंधु, ये 2013 की मैच है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की। देखो 10-11 साल पहले की मैच है, तो कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर, कुछ उनके फुटवर्क उनके गेम प्ले के भी अंदर होंगी। देखो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके टाइम होते हैं ना, टाइम बाय टाइम उनका फुटवर्क चेंज होता है, उनकी गेम प्ले चेंजेस होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। तो हम देखेंगे 10-11 साल पहले पीवी सिंधु का गेम प्ले कैसा था, एंटोनिन का कैसा था, जो पर्सनली मेरे भी फेवरेट प्लेयर है, तो देखते हैं वो। और शुरुआत करते हैं, एक दो रिलीज देख लेंगे, फिर देखेंगे कि गेम प्ले में क्या चेंजेस है, और थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे अभी के जो गेम प्ले है उससे और जो पहले थी 2013 में। अभी का अगर बताऊं तो शायद तक जब तक मुझे पता है ये टूर्नामेंट में एंटोनिन फोर्थ सीड थी और पीवी सिंधु शायद 10th सीड थी, जब जहाँ तक मुझे पता है जो मैच मैंने देखी है। तो शुरू करते हैं। हाय सर। ओके बढ़िया, आउट आओ। अरे बढ़िया, स्टिक स्मैशेस चल रही है। नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुको रुको रुको, ये देखो यहाँ पे फिर से पीवी सिंधु का गेम प्ले पे देखना, यहाँ पे पीवी सिंधु जो इंटरनल स्मैश मारी उस पर फोकस करना। ये देखो, ये डिफेंस देखो, एक और बार देखो, ये डिफेंस बहुत कम हम अभी पीवी सिंधु में देखते हैं। देखो ये रिएक्शन टाइम देखो, डिफेंड भी कर लिया उन्होंने। यस, ऊपर गया ऑफकोर्स, बट डिफेंड कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके सो अभी जितनी भी मैच थोड़ी बहुत हुई है उसके अंदर कुछ चेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो एंटोनिन है उनका गेम प्ले अभी का, जो अभी ये खेल रही है वो, तो यहाँ पे वो 2024 में थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अभी के जो एंटोनिन है उनका गेम प्ले उस लेवल का नहीं रहा है। देखो ऑफकोर्स मैं भी बहुत ऐसा लगता है कि यार इंजरीज हुई है उनको बहुत ज़्यादा, सिमिलरली सेम चीज़ पीवी सिंधु के लिए भी जाती है, इंजरीज होती है उसके बाद आप उस लेवल के मोबाइल नहीं हो पाते, मोबाइल इन द सेंस मूव नहीं कर पाते कोर्ट के अंदर उस लेवल का। बट उसी चीज़ में अगर आप, मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ तो वो है कैरोलिना मरिन, उनका पूरा नी अलग हो गया था, आप सोच रहे हो, उसके बाद रिकवर करके इस बार का ओलंपिक्स आप लिख, बहुत बढ़िया चांसेस थे। हिबिंग चाओ वैसे भी हार रही थी वो सेट, वो फाइनल में होती, बट स्टिल उन्हें फिर से इंजरी हो गई। तो ये जो एक्सक्यूजेस मुझे बहुत बार, एक्सक्यूज या फिर वो भाई एक प्लेयर क्या फील कर रहा होता है वो सिर्फ एक प्लेयर जानता है, सब लोग नहीं जान सकते। मैं खुद प्लेयर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि एक इंजरी होती है उसके बाद रिकवर करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर वो इंजरी कोई ऐसी है कि वहाँ से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो फिर तो भाई ख़त्म हो गई है चीज़। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे दोनों प्राइम मोड पे, प्राइम मोड इन द सेंस 18-19 ईयर्स या फिर 20-22 एज होगी इनकी, तो दोनों की दोनों इस लेवल का गेम प्ले जो अभी खेल रहे हैं उसमें और अभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। बट स्टिल उनका जो प्राइम था ना, वो मैं बोल सकता हूँ कि 2018-19 का था, जो दोनों का प्राइम था, प्राइम इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत बढ़िया खेलते थे वो लोग, 2016 जो रियो ओलंपिक्स थे वो। एंटोनिन का गेम प्ले के बारे में हम 2-3 रैली के हो जाए उसके बाद हम नोटिस, मैंने अच्छी खासी कुछ चीज़ें देख ली है उनके बारे में, पीवी सिंधु के बारे में बात करेंगे। हाय सर, बढ़िया। एरर्स, बढ़िया। डिफेंस, स्टिक स्मैश बार बार मार रही है एंटोनिन, बट वो जा नहीं पा रही है। बढ़िया ड्रॉप। ओके एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो, अभी ये रैली थोड़ी बहुत पीछे जाना और एक चीज़ नोटिस करना, दोनों के दोनों प्लेयर्स हैं ना वो अटैक करते हुए आपको दिखेंगे बट अटैकिंग गेम प्ले नहीं लगेगा, आपको लगेगा वो स्मैश मार रहे हैं, स्टिक स्मैशेज है। एंटोनिन ने 2-3 बार ट्राई की, पीवी सिंधु भी ट्राई कर रही है,
बट जो अटैकिंग मोड देखते हैं ना कि ओ बाप, आपको लगता है कि ओ बाप रे क्या स्मैश लगा, ये क्या लग रहा है, ये गेम प्ले आपको क्यों नहीं लग रहा है पता है? उसका एक रीज़न है कि ये ओल्ड स्टाइल गेम प्ले है। ओल्ड स्टाइल, मैंने अभी कुछ लोग, एक दो पर्सन थे उन्होंने कमेंट भी किया था कि ओल्ड स्टाइल गेम प्ले ऐसा था कि ये था। उसका मैंने रिप्लाई ये किया था कि कोई भी ओल्ड स्टाइल गेम प्ले और न्यू स्टाइल गेम प्ले नहीं होता है, मतलब ओल्ड स्कूल गेम प्ले नया ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले थिंकिंग और जो बोलते हैं ना गेम लेवल, उस लेवल का मैं सोचता हूँ कि नहीं था, ये मेरी थिंकिंग ऑफ कोर्स। बट वहीं पे चेंजेस मुझे ऐसे भी दिखते हैं जो विलेंडन और ली चोंगवेई थे, दोनों प्लेयर बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग गेम प्ले भी खेलते थे, और वहीं पे अगर उनके सामने कोई प्लेयर ऐसा है ना कि इसको तो मैं बहुत इजी तरीके से हरा सकता हूँ, तो वो पूरी की पूरी गेम स्ट्रेट टू सेट्स में इजी तरीके से वो फिनिश भी कर देते थे। जैसे हम आंसेंग को देखते हैं ना कि ऑलमोस्ट सारी गेम प्ले वो स्ट्रेट टू सेट्स में ही फिनिश करती है, थर्ड सेट ना के बराबर जाता है उसका। दो वो सबसे बड़े रीज़न होते हैं, जितनी जल्दी आप गेम प्ले को फिनिश करोगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप नेक्स्ट राउंड के लिए रिकवर कर पाओगे। थ्री सेट हैवी हो जाते हैं तो ऑफकोर्स दूसरे दिन थोड़ी बहुत टफ हो जाते हैं आपकी रिकवरी, तो ये हेल्पफुल रहता है। बट अगर ये गेम प्ले के बारे में मैं नोटिस जितनी चीज़ अभी की है वो अगर मैं बताऊँ, तो दोनों ट्राई कर रहे हैं रेली कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये पूरी रेली नहीं है, पूरी रेली अलाउ भी नहीं है वैसे यूट्यूब पे, वो कॉपीराइट पे चली जाती है चीज़ें। बट चीज़ क्या है कि दोनों ट्राई जरूर कर रहे हैं रेली को कंटिन्यू करने की, बट स्टिक स्मैशेस और ये स्मैशेस बीच में मार मार के एरर्स कर रहे हैं। एरर्स बहुत कम होती है, मैंने ओल्ड स्कूल जितनी भी गेम प्ले देखी हुई है, ओल्ड स्कूल मतलब पहले वाले जो खेलते थे वो, उसमें बहुत कम एरर्स देखी है। लोग रैली कंटिन्यू करते थे, उसके अंदर गलती, सो कौन जल्दी गलती करेगा, उसका वेट करते थे। बट इसमें देखो दोनों एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। नोटिस करो दो तीन रैली और आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफेंस पीवी सिंधु का थोड़ा बहुत वीक ये मैच में लग रहा है, ऑफकोर्स दूसरी मैच कोई होगी तो मैं बताऊंगा। ये एरर की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये एरर बढ़िया कंटिन्यू एरर, देखो यही चीज तो बोल रहा था मैं। इन द आउट, ओके इन द एयर, बढ़िया। ये नोटिस करो, ये फिर से ये टॉस, जब पीवी सिंधु देखो यहाँ पे टॉस जैसे ही रिटर्न करे तो रैकेट टच कहाँ से हो रहा है, देखो नोटिस करो ये चीज़। ये देखो यहाँ पे अब जब टच करेगी ना सिंधु, देखो देखो जब टच करेगी वो, देखो ये देख रहा है रैकेट थोड़ा सा आउट जा रहा है, उसके बाद सेंटर में पहुँचने में थोड़ा टाइम ले रही हो, बट उनको पता है हाइट दी है तो टाइम मिल जाएगा उनको। एरर्स काफ़ी हो रही है, एरर्स काफ़ी हो रही है दोनों साइड से, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से हो रही है। डिफेंस भाई पहले नहीं था उस लेवल का सिंधु का, ऑफकोर्स उन्होंने उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्क किया है। आप रियो ओलंपिक्स जाके देखो, उन्होंने मेजोरिटी के शॉट्स उठाए हैं, तो वही होता है आपके गेम प्ले का ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए, लर्निंग कर्व होना चाहिए आपका। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती, ये पहले पहले के नहीं अभी भी होती है चीज़। देखो यहाँ से ये चीज़ देखो, यहाँ से इंटरनॉन पे फोकस करना, इंटरनॉन खड़ी है ठीक है, लिंडन और ऐसे टॉप के प्लेयर्स हैं वो भी ऐसे खड़े ही रहते हैं ठीक है। बट देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सिंधु ने बहुत नीचे से शटल उठाया है, बहुत नीचे से, देखो फिर से एक और बार देखो ताकि आपको आइडिया है। देखो सिंधु कहाँ से शटल उठा रही है, वो देखो देखो कितना नीचे से उठाया। इसके दो रीजंस होते हैं, मुझे मेरे पहले कोच थे उन्होंने भी ऐसे नीचे से सिखाया था, फिर कुछ चीज़ें मुझे पता चली कि भाई जितना हो सके शटल को ऊपर से उठाओ ताकि सामने वाले अपोनेंट को टाइम ना मिल पाए, जितना नेट टू नेट रखोगे उतना आपके लिए प्रॉफिट है। बट अगर ना पहुँच पाओ, जैसे अगर यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, देखो पीवी सिंधु यहाँ से देखो सेंटर में है, वो सेंटर में है, अब यहाँ से उनको एटलीस्ट 2 स्टेप, जैसे मेरे छोटी हाइट है तो मुझे 2 स्टेप, 2 या 1.5 स्टेप तो लगेंगे, बट एस पी वी सिंधु उनकी हाइट है तो वो 1 स्टेप में ट्राई करेगी। देखो यहाँ से शटल पहले ही जा चुकी है नीचे, क्योंकि इंटरनॉन ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो ऑफकोर्स उन्हें नीचे से शटल देना ही पड़ेगा। ये रिटर्न देखो कितना बढ़िया है, नीचे से ही उन्होंने स्पिन किया है ऐसे, देखो शटल। एक एक रिलीज को ऐसे नोटिस किया करो कि सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं, देखो कैसे उठाया उन्होंने, वापस देखो एक बार शटल को कैसे उठाया, रैकेट को ऐसे स्विंग, ये चीज़ होता है जब आप नेट के पास जाओ तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे
या फिर ऐसे, जब आप ऐसे फोकस करोगे, जैसे आप ये रैकेट है, ये रैकेट का फ्रंट है, तो ऐसे स्लाइड करोगे ना तो स्पिन होके जाएगी शटल। स्पिन होके अगर आपने शटल डाली है तो मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है कि सामने वाला रिटर्न उसे नहीं कर पाएगा। बट अगर आप ऐसे ऐसे पैरेलल मार देते हो तो चांसेस है कि वो पुश हो जाएगा पीछे शटल। तो हमेशा नेट प्ले जब भी करो, पीवी सिंधु ने बहुत बढ़िया किया है, स्लाइड ऐसे स्लाइड करो, स्लाइड करने की कोशिश करो। देखो देखो, ये स्लाइड किया और थोड़ा टाइट हो सकता था, क्योंकि देखो यहाँ पे नोटिस करो थोड़ा बहुत ऊपर जा चुका है शटर। अब उसी का फायदा उठा के इंटरनॉन ने क्या किया है, पीछे पुश किया, जो परफेक्ट वो या फिर पीवी सिंधु का जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड पीछे के दोनों में से कोई भी कॉर्नर यहाँ पे इंटरनॉन कर सकती थी। देखो परफेक्ट बैक हैंड उन्होंने ट्राई किया है, यहाँ पे उन्होंने एंटिसिपेशन किया है। देखो एंटिसिपेशन, यहाँ से दो चांसेस होते हैं, कोई भी प्लेयर हो, यहाँ पे पीवी सिंधु, अगर आप पीवी सिंधु की जगह पे हो तो दो ही चांस आपके पास बचते हैं। आप वहाँ से मेजोरिटी, आप लिख के देखो कि 70-75% प्लेयर्स होता है ना, वो नेट पे ही रिटर्न करते हैं, यहाँ से टॉस मारना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे अगर टाइजोइंग जैसा प्लेयर है ना, तो वो यहाँ से क्रॉस कोर्ट लगाएगा, मतलब पीवी सिंधु क्रॉस कोर्ट लगाएगी यहाँ पे इंटरनॉन के बैक हैंड पे और वो पॉइंट ले जाएगी, मतलब क्रॉस कोर्ट उतना बढ़िया। बट हर एक प्लेयर ऐसे क्रॉस कोर्ट नहीं लगा पाता है। देखो पीवी सिंधु कहाँ रिटर्न कर रही है और इंटरनॉन वहीं पर खड़ी है एंटिसिपेट करके कि यस यहीं पर शटल लाने वाला है। देखो नहीं मार पाई पीवी सिंधु, वो जजमेंट में होता है, नहीं पहुंच पाते। एक चीज नोटिस करो, एक और ये रैली फिनिश होती है फिर बताता हूँ, एक दो रैली जाने दो उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अटैक, अब फिर से बात करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। ये देखो एक चीज नोटिस करो, जब भी हाई सर्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये लोग बहुत पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई सर्व होते थे, अभी भी होते हैं, बट अब जो पता चली है ना चीज़ें कि स्मैशेस कहाँ पे में मारेंगे तो पॉइंट मिलेगी, तो अभी हाई सर्व बहुत कम हो चुके हैं। ऑफ कोर्स अकान यामागुची और कुछ प्लेयर्स हैं, चेन यू फी भी करती है, पर चेन यू फी को भी मैंने देखा है कि वो शॉर्ट सर्व बहुत ज़्यादा करती है। तो अभी चेंजेस बहुत अच्छे आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है कि शॉर्ट सर्व पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो देखो पीवी सिंधु को देखो, वो स्मैश कहाँ लगा रही है, बॉडी बॉडी के आसपास लगाया। अब नेक्स्ट रैली पे फोकस करना फिर से, यस। और अगर आप कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर एनालिसिस देखने में अगर इंटरेस्ट है आपने, आपको अगर बैडमिंटन में थोड़ा भी आपको नॉलेज है या फिर कुछ भी है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये स्मैश पीवी सिंधु को कहाँ लगानी चाहिए थी, कहाँ लगाएगी जो उनको प्रॉफिट हो सकता है, जैसे ऐसा कहाँ पे कोर्ट के कौन से साइड पे, जो अभी दोनों के दोनों स्मैशेस ऐसे आगे भी और पॉइंट्स गए जहाँ पे उन्होंने स्मैश उनके मतलब बॉडी पे ही लगाई है, तो कहाँ पे लगाएंगे तो पॉइंट मिल सकते हैं। आप ये चीज़ आपके अपोनेंट के साथ मैचेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो मुझे जवाब दो कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे पीवी सिंधु मार सकती है। आउट है, बहुत बढ़िया जजमेंट, बहुत बढ़िया जजमेंट है। क्रॉस कोर्ट भाई साहब बहुत कम देखते हैं ये शॉट, नाइस बहुत बढ़िया। ओके दोनों प्लेयर्स एरर्स अच्छी खासी कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई एक ही प्लेयर। ये क्या था, ये क्या था, फिर से एक और हुआ। अरे ओके उनको लगा कि पीछे जाएगी शटल, अरे वाह बहुत एरर्स कर रही है सिंधु। ओके आउट, हाई सर्व, यस परफेक्ट। अगर किसी ने भी कमेंट किया था, किसी ने भी ये कमेंट किया था ना कि साइडवेज हमेशा, अगर सर्विस में कोई आपको शटल हाई सर्व दे रहा है तो स्मैश साइडवेज ही जाती है, तो उसका ऑफ कोर्स कमेंट पे एक और लाइक आ जाएगा मेरी ओर से अगर उसने कमेंट किया है तो। जिसने भी ये किया था कि साइडवेज स्मैशेज होनी चाहिए, देख लो अगर आप भी मैचेस खेल रहे हो, सामने वाला बहुत ज़्यादा हाई सर्व कर रहा है आपके सामने, ये करो पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बहुत एरर्स हो रहे हैं,
रिसेप्शन क्या बात कर रहे हो, ये स्मैश नहीं थी यार, हाफ स्मैश से भी कम था ये तो। बहुत ज्यादा एरर्स भाई साहब, क्या चल रहा है ये। बाप रे बाप, बहुत एरर्स हो रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा। देखो गलती कहाँ हुई ये रैली में, ये रैली फिर से देखते हैं। यहाँ पे गलती हुई है, एक और बार देखते हैं ये रैली। रैलीज को आप जब आप देखो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है ना कि अगर आप सिर्फ आपके कोच पे डिपेंडेंट हो ना, कि कोच सिखाएंगे वही होगा ये है वो है, तो आप एक लेवल तक ज़रूर पहुंच जाओगे, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। बट जब बारी आएगी ना कि आपको टॉप लेवल तक पहुंचना है, तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाती है चीज़ें। उसके दो सबसे बड़े रीजंस में अगर आपको बताऊं, तो उसमें से सबसे बड़ा रीज़न एक सिंपल है कि आप लर्न नहीं कर रहे हो आपकी गलतियों से, या फिर लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट ले लो। उसके अंदर आप हारे हो तो क्यों हारे हो, आप जीते हो तो उसके बाद भी आपको देखो कि सामने वाले ने ऐसी कौन सी चीज़ें की जहाँ पे आप अटक रहे थे, या आप, और उससे भी बेटर चीज़ है कि आप आजकल के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको भाई ऑफकोर्स सामने वाले की एनालिसिस से लेके वो सामने वाला क्या ट्रेनिंग कर रहा है, किस लेवल की ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी गलती कहाँ है, सब कुछ पता है। आप सोचो आप ले जाओगे लंदन की एरा के हो, मतलब ट्रॉफी के दायक के, और इतने पुराने प्लेयर के, साइन आने वाले प्लेयर जब खेलते थे 2009 10 8 के आसपास खेलो, तब अवेलेबल ऑफकोर्स सारी चीज़ें थी, बट तब सिर्फ कोचेस जो बैठे होते हैं उनको लिखना पड़ता था कि ऑफकोर्स ये उनका अपोनेंट है, कि इसकी ये गलती है ये वो। अभी यूट्यूब पे और हर एक जगह पे लाइव स्ट्रीमिंग हर जगह पे अवेलेबल होता है कि आपके अपोनेंट ने क्या गलतियाँ की, आपने खुद ने क्या गलतियाँ की। तो जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे आपकी खुद की गलतियाँ और सारी चीज़ें, तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। आज के टाइम पर अभी भी कुछ ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो मुझे तो यही रीज़न लगता है कि मैचेस के बाद ऑफकोर्स उनके कोचेज और सब कुछ है, बट स्टिल ये मुझे रीज़न लगता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये, एक चीज़ नोटिस करो। देखो ये रैली मैं ये बताना चाहता था कि रिलीज होती है दूसरे प्लेयर्स की, उस पर ध्यान दो क्या गलतियाँ उन्होंने की। देखो यहाँ पे डीप कॉर्नर गया है परफेक्ट, यहाँ से जो इंटरनॉन ने किया परफेक्ट शॉट है, यहाँ से सिंधु पहुँच गई आराम से, ऑफकोर्स उनकी हाइट इसलिए पहुँच गई वो। यहाँ से उन्होंने जो रिटर्न किया है वो इंटरनॉन के हाथ में परफेक्ट हाथ में, यहाँ पे देखो। अब यहाँ से इंटरनॉन के पास इजी पूरा कोर्ट खुला हुआ था, पूरा कोर्ट खुला हुआ था। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, अगर डीप कॉर्नर में ऐसे शटल जा रहा है तो पूरा का पूरा दम लगा दो, आपके अपोनेंट के जो डीप कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पे शटल जाए उतना दम लगा दो, या फिर ट्राई करो। एक टफ शॉट होता है जो मैं मेरे प्लेयर्स मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाता था, वहाँ से क्रॉस कोर्ट मारो। देखो इंटरनॉन यहाँ पे जो जंप स्मैश लिया ना वो रेडी थी, बट वो क्रॉस कोर्ट के लिए रेडी नहीं हो पाती, बट वो टफ शॉट है, बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में। बढ़िया, अरे बाप, ये चीज तो होनी है। नाइस, क्रॉस कोर्ट स्मैशेस पे भी सिंधु बहुत बढ़िया मार रही है। इंटरनॉन वॉज बेटर इन दिस गेम। ओके सो ये पूरे वीडियो में से एक जो बोलते हैं ना कि एक पूरा कंक्लूजन निकाला जाए, तो ये पूरी एरर गेम थी, एरर्स की गेम थी दोनों साइड से। ऐसा नहीं है कि पीवी सिंधु ही एरर कर रही है, इंटरनॉन बहुत ज़्यादा एरर कर रही थी। बट इसमें से एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो, अगर मैं
छोड़ो वो चीज़ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट अगर आपको ये रैली में कुछ समझ ना आया हो या फिर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी ये भी आप बताओ, और कौन सी चीज़ों पे आप अटकते हो, कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ आती, वो चीज़ें आप जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे मतलब रिव्यूज़ नहीं दोगे तब तक मुझे भी आइडिया नहीं आएगा। तो बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।